चश्मा उतार लो, चश्मा उतार। मैं कह रहा हूँ कहाँ से राइड करने के लिए आए थे, कहाँ बाइक जो है ट्रक की राइड करने वाली है। सर्विस नहीं हुई होगी ना, सर्विस नहीं हुई होगी, नींद होगा यार, नींद तो करता ही नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यस आप लोग हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। और भाई आप लोग ने सही गैस करा, एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड ना, और वो इसलिए क्योंकि आज है संडे राइड ब्रो। ठीक है, तो देखो मैं आ चुका हूँ चंपावत, और यार आज का ब्लॉग ना मैंने लोहाघाट से शुरू नहीं करा। एक्चुअली आज जो है हम लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, नॉर्मली हम लोग कहाँ जाते थे कि धौन तक जाते थे ना, बट आज हम लोग ने सोचा है कि क्यों ना खटीमा तक जाया जाए, वहाँ पे कुछ काम वगैरह भी है वो भी कर लेंगे और हमारी राइड भी हो जाएगी। और साथ ही यार विशाल भैया और हिमालय भैया भी ना टनकपुर से आने वाले हैं, मतलब उनका ग्रुप वहाँ से आने वाला है। अब ये देखने वाली बात है कि उनके ग्रुप में कितने लोग आते हैं। बाकी देखो मैं चंपावत पहुँच चुका हूँ, विशाल भैया और हमारा मीटअप पॉइंट है चलती में, तो अभी 10 बजे तक भाई हमने चलती पहुँचना है जल्दी से, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। और आज भाई ये मेरी वजह से लेट हो रखा है हल्का सा, मतलब 10 मिनट लेट हैं अभी, बाकी तो देखते हैं। और आज हमारे वाले ग्रुप में से ना ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं, एक्चुअली अभी ना शादी वाला सीजन चल रहा है, तो सब लोग के वहाँ या तो किसी के भैया की शादी है या किसी की दीदी की शादियाँ हैं, तो इस वजह से वो लोग जो है आ नहीं पा रहे हैं। अब जो है आज यहाँ से सिर्फ हिमांशु और सोनूदा और मैं, सिर्फ 3 ही राइडर्स हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, और वहाँ से शायद 4-5 राइडर हैं, बट इज स्टिल भाई मज़े करेंगे क्यों। तो देखो पहुँच गए, और आज भाई ये भी पूरा प्रॉपर रेडी हो रखा है यार, ऐसा सोचा नहीं था कि ये रेडी हो जाएगा करके। और हमारी ब्यूटीज देखो वहाँ पे पार्क हैं, और यार देर हो गई है यार, फिर भी हम लोग कैसे पहुँचेंगे अब 10 बजे। मैं नहीं करी भाई, मैं तो आ गया था, सोंदा नहीं आ रखे हैं अभी भी। अरे ताइजी लोग जा रहे थे वहाँ, बाबा कैसा मोटा रखा है ये, पर अच्छी लग रही है जगह। तो देखो यार 9:32 हो गए हैं, और विशाल भैया लोग पता है वो लोग हमारी धौन वाली लोकेशन पे पहुंच गया मुझे लग रहा है। ओ भाई, और यार देखो अगर आप लोग ब्लॉग देख ही रहे होगे ना, तो यार इसमें मेरी गलती नहीं है, ये दोनों जो है ना मेरे साथ जो आ रखे हैं इन्होंने लेट कर रखा है, इसमें भी सोनू दान है। सोनदा यार ऐसे लेट हेट मत करा करो, अभी निकल रहे हैं, और उन लोग को मैंने बोला था कि हम लोग बंदे एक पहुँच गए करके। ओ भाई आज तो बहुत ही देर हो गई यार, क्या बताया लेट हो गया है यार, मतलब जो हमारी टाइमिंग थी ना, वैसे मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, पर जब आप ग्रुप के साथ चलते हो ना और आपने और लोगों को भी साथ में लेके चलना होता है, तो फिर वहाँ पे आपकी पंक्चुअलिटी जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, और हमारी तो भाई आधा घंटा हो रही है। और बता मेरे पीछे हिमांशु है, और जो सोनू दा है ना वो अपनी वही वाली बुलेट पे आ रहे हैं जिसके हैंडल बार बहुत ज़्यादा रेस थे ना, तो वो तो पता नहीं कहाँ होंगे यार। और हिमांशु तो बहुत सही चल रहा है, मतलब जस्ट मेरे पीछे ही है, तो यस मज़ा आने वाला है ब्रो आज की राइड में। तो देखो धौन पहुंच गए हैं यार, और लगभग ना 10 मिनट हो रहे हैं भाई धौन पहुंचते पहुंचे, क्योंकि 35-36 के आसपास तो हम लोग चंपावत ही थे, और 10 मिनट में हम लोग धौन पहुंच गए ब्रो। पर यार जॉर्डन भैया लोगों को और बता, वैसे ये हिसाब बराबर हो गया, एक बार याद है आपको कि मैं ना लोहाघाट से
धौन आ चुका था और जॉर्डन भैया मुझे ये इधर ही साइड पर को मिले थे, जबकि वो जब मैं लोहागढ़ था तभी वो कह रहे थे कि वो लोग धौन पहुँचे करके। तो यस जॉर्डन भैया देखो हिसाब बराबर, अगर आप लोग को लेट हुआ है तो भाई ड्यूक का पूरा ब्रेक ना फेड हो गया यार, क्योंकि डाउन में ना ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, तो अब उतना अच्छा उतनी अच्छी ब्रेकिंग बाइट नहीं दे रहा है। हाँ तो नीचे मिलते हैं, नीचे मिलते हैं, नीचे मिलते हैं, नीचे मिलते हैं, नीचे पे रुक जाते हैं। कहाँ नीचे रुक जाना, कहीं पे एक राइडर और आ रहा है। अब वो जगह तो ऊपर है, अब ऊपर कहाँ जाते हैं, ऊपर नीचे पे रुको। तो देखो यार ये छपरी लोग मिल गए हैं और इनको मैंने तगड़ा वाला चूना काट रखा है। जब इन्होंने फोन करा था कि कहाँ पहुँचे हो करके, तो मैं एक्चुअली उस समय चंपावती था। तो यार ये देखो यहाँ पे रुकने का प्लान है। हेलो मिस्टर जॉर्डन, दोबारा हमारे व्लॉग में स्वागत है आपका। ओह रियली? यस। ओह रियली? ये कितने बजे निकले थे? हम लोग यहाँ पहुँच गए, ये वहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाए। समय हम 9:30 में जब लास्ट कॉल आई थी ना, हम चंपावती थे। ये भगवान। तो वो हिमांशु, वो मैं देख लिया, ये बंदा बहुत बेकार है, ये बंदा बदला ले लिया गया है। और मिस्टर हिमालय कैसे हो? अभी तक लगाया नहीं था, हिमालयन चलानी थी ना। हेलो। अरे नहीं, हिमालयन राइड करनी थी। मैं तो फिर भी भाई इतना हूँ ना, एक दिन इन्होंने मुझसे क्या कहा, मैं धौन पहुँच गया हूँ। वो तो मुझे पता है। और मैं लोहागढ़ से वो निवाद हूँ, लोहागढ़ ही था मैं। हिमालयन राइड तो देखो यहाँ पे पहुँच गए, अब यहाँ पे बढ़िया खाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, सोनदा गाँव पहुँचाऊंगा। तो देखो यार हमारा तीसरा राइडर भी आ चुका है और ये सब ब्लॉगर बन गए हैं। और ये हमारी बाइक भाई, आज की ग्रुप देख लो। अब यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर को थोड़ा कुछ खा को लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। सोनदा मज़ा आ रहा है कि नहीं? पहुँचे ही हैं बस हम भी, जैकेट ही उतारिया। तो ये देखो ये दोनों खाना खाने के लिए लग गए हैं भाई, भैंस हैं यार ये दोनों। ये नहीं डालूंगा सोनदा, ऑफेंड हो जाएंगे कहीं। अपना घर से खा गया है और हमें खाने नहीं दे रहे हैं, और हमारे पैक करा के ही नहीं लाए। ये तो यार मेरे घर वालों ने पैक नहीं कर रखा है ना, वो कहते हैं कि हमारा राशन खत्म हो जाएगा। दूसरों को मत खिलाना, दूसरों को मत खिलाना। देखो एक अलग ही ग्रुप बन रखा है यहाँ पर। यार एक ग्रुप में 4 सीटें हैं ना, क्या कर सकते हैं, ये मुंह के अंदर डालने की नहीं हो रही है, कंटेंट की कमी हो रही है। तो देखो यार मानस से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके अभी कंटेंट देगा कुछ। क्या देने वाला है भाई बता दो। मैजिक करूँगा मैजिक। इसने मैजिक कहा ना, मुझे क्या लगा ये मैजिक में बैठेगा करके वहाँ। कर यार क्या करने वाला है तो बता। ये बताया नहीं जाती है, ये ट्रिक है स्पेशल मेरी। बाय द वे यार मानस के गाने, ओहो जो बेस आता है ना, सेक्सी म्यूजिक बहुत अच्छा है। ये मैं रिकॉर्ड ऐसे पकड़ के उठाऊंगा आपको। आंखें बंद करके मुंह ऊपर रखना। चश्मा उतार लो, चश्मा उतार लो। आज जो गिरता है यहाँ पे, जो गिरता है आज देखा जाएगा। कुछ खतरनाक होने वाला है। कभी कभी पहली बार में नहीं होता तो हो सकता दो पैसे आज ऊपर लोगे। मुझे क्यों लग रहा है सुमित भाई को कुछ तो होने वाला है। चौथी गली ना, खड़े हो जाओ, टीला छोड़ दो शरीर, आंखें बंद मुंह ऊपर। अरे यार आपने करा नहीं ढंग से। अरे मैं दर्द हो जा रही है। अरे यार इन्होंने करा नहीं। रोनी को कराओ यार, देखो मेरा तो फेल हो गया यहाँ पे, ट्रिक पूरी फेल हो गई है जादू वाली। अब रोनी को करते हैं, अब रोनी को करते हैं। हो तो रहा है, उठ जाएगा यार, इतना भी नहीं है। खाना खा रखा, बस उल्टी मत करवा देना।
क्या करना चाह रहे हैं? तो यार ये लोग ना ऐसी फर्जीवाड़ी कर रहे हैं। चलो अब हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया, बढ़िया से नाश्ता कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। बाय द वे हमारी बाइक, अब ये क्या कहते हैं उसके लिए होता है यार, या तो ये ब्रेक के लिए होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, और ये हाइड्रोलिक क्लच है। पर ये जो है ना से वो है, इन्हें भी तो लगा रखा है, इनको बताओ क्या होता है। 100 पीस है ये, 100 पीस है ये, 100 पीस है ये। पर अगर बाई चांस आपने करना है, इसमें वो है यार क्या कहते हैं स्टिंग डाल रखी है इसमें, ये बेचारा इसमें स्टिंग डाल लगी है ना, स्टिंग डाल लगी है पीने के लिए, निकालो कभी भी पी लो। तो के गाइस देखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हम सब ने कर लिया है, अब यहाँ पे सब लोग गेयर अप हो रहे हैं, बाइक को वार्म अप कर रहे हैं। मेरी बाइक को तो भाई ज्यादा वार्म अप की जरूरत हो जाती है ना, हर स्टॉप में वो वार्म अप मांगती है। तो चलो फिर बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, अभी खटीमा में भी बहुत ज्यादा काम है इस गाड़ी में, फिर वहाँ पे मिलके बता दें कि क्या काम है करके ना खटीमा में। और भाई देखो 11 बज गए यार, 1 घंटे के आसपास हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं, अब बस जल्दी से निकलते हैं। एक से तो हमें इसलिए जल्दी जाना है ना क्योंकि हिमांशु की बाइक में बहुत ज़्यादा काम है आज, तो इस वजह से भी जल्दी जाना पड़ रहा है। क्या हुआ फट करके बंद नहीं हुआ, धुआं आया बेटा। इंजन तो वो नहीं हो गया, सर्विस नहीं कराई थी क्या? मीटर तो वैसे ही ख़त्म है, वही तो चेंज करने के लिए जा रहे थे, अब यहाँ से कैसे जाए? ये इंजन ख़त्म, शेठ जी कैसे हो? बस बढ़िया, तुम्हारी गाड़ी ले जाते हैं यार अब। किसकी गाड़ी? क्रैंक गया, लालो के पीछे क्या है? चलो मत करो नानी तो है ही, या तो कोई गाड़ी यार उसमें डाल के टनकपुर को ले जाओ, जो की से गाड़ी आ रही वाले को तो फिर वहां से टनकपुर को डाल, वहां पर बाइक है ही, क्योंकि यहां से तो फिर बवाल हो जाएगा ना, ये क्रैंक करके यही मंगा लेंगे। इंजन ऑयल था नहीं था? अरे सर्विस नहीं हुई होगी ना, हैं सर्विस नहीं हुई होगी, नींद होगा यार, नींद तो करता ही नहीं, थोड़ी कह रहा है कैंडर आ गया, ये वो लौंडा भी था खड़ी तो करनी पड़ेगी, अपने सामने सामने दिख जाएगा, पता चल जाएगा। अरे वो करोगे टनकपुर तक ले जा देगा यार, वो वहाँ से हो जाएगी व्यवस्था। नहीं खटीमा ही कहना यार, टनकपुर मत करा, भगाऊंगा क्या उसको? अरे यार वो सर्विस, हाँ इंटरकॉम लगा दिया, ये 4 चैनल वाला है, इसमें 4 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखो यार हिमांशु की बाइक का जो है इंजन में कुछ तो दिक्कत आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी उससे, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, अब उसको टो करके लेके जा रहे हैं। हिमांशु बाय द वे हाउ यू आर फीलिंग? हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, आपकी परी जो है उसमें जा रही है टो करा रहे हैं। तो देखो यार बाइक को बढ़िया से अब टो कर रहे हैं, क्योंकि अब पीछे से उठाना, टायर छोड़ दो, लो घूमे ना, अब पकड़ो, लो पकड़ो, अभी भी क्लच दबाओ गियर में, वो क्लच दबाओ बस कहाँ तो राइड करने के लिए आए थे, कहाँ बाइक ट्रक की राइड करने वाली है, मैं कह रहा हूँ कहाँ से राइड करने के लिए आए थे, कहाँ बाइक जो है ट्रक की राइड करने वाली है। ट्रक की राइड होगी, बाइक में एक जना बैठना है तो बाइक के ऊपर बैठ सकते आराम से, लीन करते हुए आना, करते हुए लीन के ऊपर का मजा आएगा, ट्रक में बैठो आराम से। ये भाई की बाइक हो गई यहाँ पर, कैसा लग रहा है? हुआ क्या, मैं तो समझ नहीं आया, ये हुआ सर्विस नहीं कराने का नतीजा, यहाँ पे बाहर सर्विस कराने का नतीजा। आजकल तो बताया कुछ भी चीज होता है ना तो सीधे लोग क्या कहते हैं, कंटेंट मिल चुका है,
वहाँ वहाँ अगला अगले बंदे की बाइक वो हो गया, उसको घाय घाय हो गया भाई, अब कैसे सहयोगी करके, और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कंटेंट, और धक्का का मत मारो यार। आज दे चेहरे नु पता नहीं लगता कि कितना दुख है क्यों, ये KTM की बाइक में बड़ा बेकार है क्यों ये यार, भयंकर इतने लोग के इंजन सीज हो रहे हैं ना आजकल। पर इतना तो है यार, ऐसे इंटरकॉम में बातें करते करते ना टाइम का भी पता नहीं चल रहा है, और उसके साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत भी हो गई है। अभी बताते हैं, इंजन बहुत डब हो फूट रखा है उसका भी। पानी वानी जाता है ना, फिर ये वाली ये सोम वाली जो आ जाती है, फिर वो आधी स्टार्ट को भी ले जा सकते हो यहाँ। दोबारा से KTM शोरूम में पहुँच गया भाई, मुझे लग रहा है ना अब KTM के साथ तब तक ये रिश्ता रहेगा जब तक ये बाइक है।